भारतिया वनडे मैच से जुड़ी हुई। विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हार हुई है। और आगे इसी खबर को जारी रखेंगे मेरे सहयोगी राजीव। तो विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। 117 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था, जिसको 11 ओवर में महज ऑस्ट्रेलिया ने पार कर लिया। मिचेल मार्श ने धुआंधार पारी खेली, कई बड़े शॉट्स खेले, वहीं ट्रेविस हेड ने भी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन पूरा श्रेय इस जीत का मिचेल स्टार्क को जाता है, जिन्होंने इस मैच में 5 विकेट हासिल किए और भारतीय बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय टॉप ऑर्डर एक बार फिर पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ नजर आया। नतीजा ये कि सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। इस दमदार प्रदर्शन के दम पर अब ऑस्ट्रेलिया ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि वो इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार फिर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने अपने घर पर सबसे छोटा स्कोर बनाया, 117 रन, और ओवरऑल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत चौथी बार इतना लोएस्ट स्कोर बना पाया अपने घर पर, यानी कि इससे पहले 78 रन बनाए थे भारत ने इससे पहले 78 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। उसके बाद लोएस्ट स्कोरों की बात करें तो 117 रन, चौथी बार ऐसा हुआ है कि भारत इतने कम रनों पर अपनी सरजमीं पे आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की, उनका अच्छा साथ दिया बाकी के ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने। नतीजा ये रहा कि एक बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया ने हराया हिंदुस्तान को और अब सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। तो फ्लॉप हुई बल्लेबाजी और हारे हम दूसरी बाजी। अबुल भाई इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी राजीव कि तुमने इतना लो स्कोर मैच हुआ ये यहाँ पर, और जिस तरीके से पेसर्स के सामने घुटने टेक दिए भारतीय बल्लेबाजी ने, ऐसी उम्मीद कम से कम विशाखापट्टनम की पिच पर नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक बात जो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गई अबुल भाई, वो था कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस वहां पे जीता, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश की वजह से मॉइस्चर और ओवरकास्ट कंडीशन थी, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और मिचेल स्टार्क जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, इससे पहले मैच में वो वानखेड़े में मुकाबला था, वहां पर उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे और यहां पर वो 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। और जब भी स्विंगिंग कंडीशंस होती है, यानी कि जहां पर बॉल मूव कर रहा हो, जहां पर थोड़ा एयर में मदद हो और पिच से बॉल अपना कांटा बदले, वहां पर मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज बेहद खतरनाक हो जाते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें, बैक टू बैक वो विराट को आउट करने में कामयाब रहे, सूर्य कुमार यादव को लगातार 2 पारियों में उन्होंने LBW आउट किया, यानी बल्लेबाजों के खिलाफ अबुल भाई पूरा उनके पास रिसर्च है, पूरा वीडियो वो देख कर इस सीरीज में उतरे, और एक अलग मिचेल स्टार्क को हम देख पा रहे हैं जो व्हाइट बॉल के साथ कितने खतरनाक हो जाते हैं। 145 प्लस की स्पीड से अगर आप बॉल को स्विंग कराने में कामयाब है, तो फिर आपको ना पिच की दरकार है, ना आप कंडीशंस के मोहताज होते हैं, आप अपनी स्किल पे बल्लेबाजों को आउट करते हैं। और कुछ वैसे ही वाइजेक के मैदान पर देखने को मिला, जहां पर मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से चरमरा गई। 117 रन सिर्फ टारगेट दिया था, जब 11 ओवर में ही मैच ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट हासिल कर लिया। गेंदबाजी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर संघर्ष भी देखने को नहीं मिला जी भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। सिर्फ विराट कोहली या अक्षर पटेल की अगर बात करें, थोड़ा बहुत संघर्ष उनका रहा, लेकिन बाकी जो लाइनअप था वो बिल्कुल चरमरा गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अबुल भाई, और 7 बल्लेबाज तो दहाई अंक भी नहीं छुपाए, यानी कि 3 या 4 बल्लेबाज हैं जो दहाई अंक तक पहुंचे। और जब शुरुआत आपकी खराब होती है, और ये शुरुआत सिर्फ इसी फॉर्मेट में नहीं खराब हो रही है, इससे पहले टेस्ट सीरीज अगर आप उठा के देखें तो वहां लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने हमें मैच जिताया, वो चाहे अक्षर पटेल हो, जडेजा हो या अश्विन हो। यहां पर उम्मीद थी कि टॉप ऑर्डर यहां कम से कम लय में नजर आएगा, यहां पर भी उल्टा ही हुआ है। अगर आप देखें, रोहित शर्मा इस मैच में आए, वो भी फ्लॉप रहे। पिछले मैच में ईशान किशन और शुभमन गिल ने ओपनिंग की थी, वो फ्लॉप रहे। मेरे लिए जो कंसर्न है वो नंबर 4 को लेकर है। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव उतर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी फॉर्मेट में बल्लेबाजी के लिए, और लगातार अगर 2 पारियों में 1 जैसी गेंद पे अगर मिचेल स्टार्क उनको आउट कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी कोई एक ऐसी कमजोरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने पकड़ ली है जिसको वो बार बार कैश कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है नंबर 4 का स्लॉट, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। आपको याद होगा अबुल भाई, 2019 वर्ल्ड कप में बड़े लंबे समय तक अंबाती राइडू को हम खिलाते रहे थे नंबर 4 पे, सडनली हम एक एक्सपेरिमेंट के मोड में गए, विजय शंकर को हम लेके आए और वो एक्सपेरिमेंट इतना भारी पड़ा कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए।
तो ये जो नंबर चार का स्लॉट है ये बड़े दिनों से भारत को परेशान कर रहा है। सूर्य कुमार यादव T20 में तो बहुत अच्छा है उनका रिकॉर्ड, लेकिन जैसे ही आप ODI फॉर्मेट में आते हैं उनका एवरेज गिर के बीच पे आ जाता है, जो ये दर्शाता है कि ODI क्रिकेट में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में राजीव माना जाता है कि बाकायदा पूरी रिसर्च होती है उनके पास, उनके पास बल्लेबाजों को लेकर रिसर्च होती है, उनके पास गेंदबाजों को लेकर रिसर्च होती है, वो बल्लेबाजी को बड़ी बारीकी से देखते हैं अपनी प्रतिद्वंदी टीम की कि कौन सा बल्लेबाज कहाँ कमजोर है, कहाँ पर उसको घेरा जा सकता है। तो उसी तरह की रणनीति वो ग्राउंड में भी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी वजह से वो कुछ सर्टेन बल्लेबाजों को देखिए आप टारगेट कर रहे हैं। एक तो लेफ्ट आर्म सीमर, यानी कि एक तो मिचेल स्टार्क के हाइट और लेफ्ट आर्म सीमर्स की जो बॉल है वो अक्सर भारतीय बल्लेबाजों को ट्रबल करती रही है। आप वर्ल्ड कप के मैच उठा के देखें, वहां पर ट्रेंट बोल्ट ने परेशान किया, इससे पहले पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर थे वो परेशान करते थे, शहीन शाह अफरीदी एक और लेफ्ट आर्म सीमर जिनके अगेंस्ट भारतीय बल्लेबाजी अक्सर एक्सपोज हो जाती है। बहरहाल लेकिन यहाँ जो चिंता का सबब है उस पर एक नजर सबसे पहले डाल लेते हैं, और आंकड़ों के जरिए जरा आपको वॉल पे समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर जा रही है। क्योंकि अगर हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में नंबर चार की पोजीशन पे जाएं, अभी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा रन बनाया नंबर चार पे, 17 मैचेस उन्होंने खेले और 675 रन है। ऋषभ पंत के 9 मैचेस हैं, 340 रन। दूसरे सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है के राहुल ने 3 मैचों में 157 बनाए और ईशान किशन ने 6 मैचों में 106 रन। यानी कि ये नंबर चार की पूरी कहानी है, यानी सबसे सफल बल्लेबाज श्रेयस अय्यर जो इंजर्ड है इस समय टीम के साथ नहीं है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को ज्यादातर मैचेस में चांस दिया जा रहा है बट वो उस मौके को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये बड़ा परेशानी का सबब होता है। और अबुल भाई ये भी आंकड़े आप देख रहे होंगे, ये दर्शाता है कि जो बैट्समैन फॉर्म में अगर टीम के साथ नहीं है। तो उस सर्टेन स्लॉट को लेकर हमारे पास बैट्समैन अवेलेबल नहीं है, जो परेशानी का सबब होता है। वजह क्या क्या मानते हैं, क्यों आखिर जो नंबर फोर है जैसे आपने सूर्य कुमार यादव की बात की है नहीं चल पा रहे हैं, लय में नहीं है या फॉर्म में नहीं है? देखिए सबसे बड़ा रीजन तो ये कि आप एक बैट्समैन को सर्टेन नंबर पे कितने मैचेस देते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए ईशान किशन ने 6 पारियां यहाँ पे खेली हैं, 106 रन है, यानी कि इनको थोड़े थोड़े मौके मिले अलग अलग नंबर्स पे। कहते हैं ना जब तक आप किसी परमानेंट स्लॉट पे बैटिंग नहीं कर रहे हैं, यानी आप मेंटली अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होती है। के राहुल को 3 पारियां मिली हैं, ऋषभ पंत ने 9 पारियां खेली 340 रन। यानी भारत के सबसे सक्सेसफुल अगर हम नंबर चार पे बात करें रिसेंटली, यानी 2020 के बाद से हम बल्लेबाजों का ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा के बाद मिडिल ऑर्डर में अक्सर बल्लेबाजी जो एक्सपोज होती थी वो अभी तक चली आ रही है। अब शिखर टीम के साथ नहीं है, रोहित विराट है, लेकिन जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट होते हैं हमारी परेशानी का सबब बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मैच में कि अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो नंबर चार पे खासतौर से वो बैट्समैन होता है जो आपके आप लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ मैच को फिनिश करता है, जो हम अभी हाल फिलहाल ढूंढ नहीं पा रहे। सूर्य कुमार यादव को हम तैयार जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से वो एक्सपोज होते रहे अबुल भाई तो ये बड़ी परेशानी होने वाली, क्योंकि कुछ महीनों के बाद वर्ल्ड कप है और नंबर चार और नंबर पांच तरह की तैयारी सीरीज के लिए रहनी चाहिए आगे के लिए, बल्कि वर्ल्ड कप की अगर आपने बात की तो। देखिए अभी तो आप सूर्य कुमार यादव के साथ ही परसिस करेंगे, कोई और दूसरा आपके पास चारा नहीं है। व्हाइट बॉल के आपके सबसे बड़े मैच विनर हैं, T20 में वो इतने मैचेस जिता चुके हैं, तो आप अभी सूर्य कुमार यादव के साथ ही जाएंगे। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव फेल हो रहे हैं, हार्दिक पांड्या फेल हो रहे हैं, अगर आपका नंबर चार पांच इतना कमजोर हो जाएगा अचानक तो फिर परेशानी होगी। और ये सिर्फ इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि वाइजैक में हम मैच हार गए, हमने ये प्रॉब्लम हमने वानखेड़े में भी देखी, मुंबई में जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो वहां पर भी सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या निकल गए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि के राहुल के साथ रविंद्र जडेजा ने मैच जिता दिया था। लेकिन यहां पर एकदम कहानी उल्टी थी, पूरे के पूरी बल्लेबाजी तहस नहस कर दी। मिचेल स्टार्क ने, एल्विस ने और उनके साथ कैप्टन ग्रीन, ढेर सारे ऑलराउंडर्स ऑस्ट्रेलिया खिला रहा है। और बड़ा अच्छा अच्छी जो बात है अबुल भाई की, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कामयाब हो रहा नजर नहीं आई। अगर सेकंड इनिंग की बात को आप देखिए, उनको कभी उन्होंने पूरी लाइफ में ओपन नहीं किया था, अभी सीरीज उनको ओपन करा रहे हैं। पहले मैच में 81 रन, आज के मैच में भी 60 प्लस नॉट आउट उन्होंने बना दिया। तो उनके एक्सपेरिमेंट जो है वो काम कर रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट जो है हम पे बैकफायर कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा चिंता है, क्योंकि कुछ महीने के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है और ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जा रहा था कि ये झांकी है वर्ल्ड कप से पहले, सबसे तगड़ी टीम जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं
अपनी तैयारी को आप चेक कर रहे हैं, और अगर तैयारी ऐसी रहेगी तो फिर बड़ा चिंता का सबब है। सबसे पहले तो अब आप एक एक से सीरीज बराबर हो चुकी है, अब आपको चेन्नई जाना है, सीरीज भी जीतना है, और साथ ही ये जो ढेर सारी लूपहोल्स आपके बल्लेबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं उसको आपको दूर भी करना है जी। और गेंदबाजी में भी अगर हम बात करें राजीव, तो गेंदबाजी में भी वो धार नजर नहीं आई, बहुत आराम से सेकंड इनिंग की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल 11 ओवर में 121 बना दिए। मोहम्मद शमी, सिराज जो आया सबकी पिटाई की। और देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, अगर आपने उनको मौका दिया तो फिर वो आपको सीधे जमीन पे लिटा देंगे। ये एक बड़ा एग्जांपल है आज का मैच। 26 ओवर आपको बैटिंग करने दिया उन्होंने, यानी पहले 10 ओवर में उन्होंने गेंदबाजी में मैच खत्म कर दिया, और जब बल्लेबाजी करने आए तो दोबारा से उन्होंने मैच खत्म कर दिया 10 ओवर में, यानी कि 11 ओवर में वो मैच जीत के चले गए। तो ये वो ऑस्ट्रेलिया है जिसकी पहचान ऐसी रही है कि अपने विरोधी को वो धराशायी कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल था आज वाइजक में जो हमने देखा, और ये सूर्य कुमार यादव की 15 मैचों की जो रन औसत है वो आ रहा है 20 का औसत उनका है, एक लगा है और बहुत कम स्कोर पूरे इस मैच में, पूरे मैचों में, इन 15 मैचों में 270 रन सिर्फ बना पाए हैं 20 के रेट से। और दिक्कत क्या बोल भाई कि जब हम बहुत ज्यादा हैवीली डिपेंड हो जाते हैं कि हम रोहित शर्मा ही हर मैच में रन बनाए या विराट कोहली हर मैच में रन बनाए तभी आप मैच जीतेंगे, देन वो प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छी बात थी कि हमने वानखेड़े में के राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब एक मैच अगर आप जिताएंगे और बाकी के मैचेस में अगर आप फ्लॉप रहेंगे तो फिर वो दिक्कत बढ़ जाएगी। अब एक मैच हमने जिताया, यही परफॉर्मेंस अगर आज के राहुल कर देते भले ही हम मैच हार जाते, बट हम 200-225 तक अगर स्कोर ले जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो वो जो कंसिस्टेंट नहीं है आप नंबर 4 नंबर 5 में, वो परेशानी है भारत के साथ। विराट रोहित जब खेलेंगे तो सिंगल हैंडेडली मैच जिता देते हैं, वहां पर दिक्कत नहीं आती आपको, और वो सारी जो कमियां वो छुप जाती है। लेकिन जैसे ये दोनों बल्लेबाज कंट्रीब्यूशन नहीं करते या कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाते, पूरी बल्लेबाजी एक्सपोज होती है। और ये भारत के बारे में तो कहा जाता है, हमारी क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि अगर रोहित ना हो, विराट ना हो, और उसके अलावा भी कोई टीम अगर तैयार कर ली जाए तो एक टीम तैयार रहती है भारत की, जिसमें अच्छे खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। ये तब लागू होता है अबुल भाई जब सामने श्रीलंका हो या जिम्बाब्वे हो, ऑस्ट्रेलिया के सामने आप नहीं बोल पाएंगे कि आपके पास बहुत ढेर सारे दो टीमें हैं जिनको आप बारी बारी से खिला सकते हैं। आपको सही 11 चुनने पड़ेंगे तभी आप ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे, नहीं तो ये नाम जो बार बार चल रहा है फ्लॉप बल्लेबाजी, हारे दूसरी बाजी या दूसरे की जगह तीसरे लिखते हैं, बहुत देर नहीं लगने वाली है। तो चलिए, यह आज ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज बराबर कर ली है, भारतीय बल्लेबाजी लगातार चरमराती नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के सामने, लेकिन हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि चेन्नई में भारतीय टीम चैंपियन की तरह खेलेगी, सीरीज अपने नाम करेगी, और खास तौर पे टॉप ऑर्डर के साथ हमें नंबर 4 और नंबर 5 में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैं अबुल भाई से भी बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में अगर आपके मेन खिलाड़ी यानी बड़े मैच विनर्स अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे तो फिर चिंता बढ़ती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।